का पूरी तरह से देख सकते हैं। जो सत्युग था आप लोग अपना मन को वहाँ ले जाइए, जिस तरह से वो लोग थे आज वही लोग का हम लोग वंशज हैं। वहाँ ले जाइए, जब जब इन्होंने अपना राज दरबार में थे उस समय हाथी घोड़ा सभी जीव जंतु उनके साथ साथ चलते थे, साथ साथ रहते थे, कोई एक दूसरे से वैर भाव नहीं करते थे। उस सत्युगी का जो घटना है वहाँ हम लोग आज खड़े हैं, तो वहाँ से जब ये लोग अपना हाथी घोड़ा जितना भी था उसे चलते थे और रोज की तरह अपना जीवन व्यतीत वो लोग भी करते थे, राज दरबार राजा होने के बाद भी ऐसा काम करते थे। तो उस स्थान पर से ये लोग परस्पर एक दिन का ऐसा हुआ, उस दिन याद कीजिए जिस राज दरबार में ऐसा हुआ कि जब एक बहन थी वो घर में थी और ये सात भाई अपना जो भी सुविधा था हाथी घोड़ा जितना भी था लाव लश्कर साथ जंगल जाते थे। एक दिन ऐसा घटना हुआ कि उनको आने में राज दरबार आने में थोड़ा लेट हुआ। वो दिन उनका बहन ने अपना घर में जो काम होना चाहिए बहन का निभा रहे थे, अपना जो भी खाना पकाना कर रही थी उस स्थान पर, वो स्थान है आपका इधर देखिए, यहाँ से पश्चिम की ओर एक पहाड़ है जो कोटारी पहाड़ है, वहाँ से देखिए यहाँ तक सात टुंगरी है और एक कोयल नदी भरा रहता था, वो नदी वहाँ से चले। उस स्थान का ये घटना है, जब ये लोग शाम को आने में लेट करते हैं तो बहन आसपास के जो जो भी मिलता है, जो कोचू साग हुआ या कोई भी आसपास का नजदीकी साग है उसको बना रहे थे। उसी वक्त उनका जो अंगुली कटता है, कट जाता है तो सोचती है बेचारी कि ये खून जो इतना साग में ना गिरा करके इसको सोच रही है कि इसको कहाँ हम इसको पोछे। अगर अपना कपड़े में पोछते हैं तो भी भाई लोग देखेगा, और दीवाल में अगर जो पोछ देते हैं दीवालों में फिर भी अपना भाई लोग देखेंगे इसको कहाँ ये करे। ऐसा सोच करके वो अपना खून को अपना साग में ही पोछ करके उसी को सब्जी बना दी। अब भाई लोग आते हैं और उसको खाना खाने के बाद में आते हैं सातों भाई, तो उनको अच्छा लगता है, और दिन से अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उन लोग बोला कि आज से ये साग में हाथ देके बनाई है, जो इतना आज ये सुंदर खाना लग रहा है, साग इतना लग रहा है, लेकिन वो बताती नहीं, बता देंगे तो ये खराब है कि मेरा खून है। नहीं बोली बेचारी, इतना ही कहे लेकिन नहीं बोली, परेशान होकर के उनको छोटा भाई को ये थोड़ा सातों छह भाई से दूर होकर ये बता देते कि हमने ऐसा किया। बाद में ये छोटा भाई भी बड़े भाइयों को कह देता था कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ। तब ऐसे भाइयों को ये लगा कि इनका खून इतना अच्छा है, सुंदर खाने में लगता है, इसका मांस कितना अच्छा लगेगा, ऐसा कह करके उन लोग एक साजिश रचा उस सत्युग की है। साजिश रचते हुए इन लोगों ने अपने जहाँ शिकार के लिए घूमते थे वहाँ आए और वहाँ पर एक जंगल में घूमते हुए आकर के मचान बनाए। उससे पहले उनका घर जाने से छोटा भाई ये लोग एक जूही का फूल होता है, जंगल में अनेक फूल होता है, एक जूही का फूल लेके जाते थे। तो वो बहन भी कहने लगी कि आज ये फूल कहाँ से लाए, इतना सुंदर फूल है। बोलने लगी नहीं, जंगल भी जंगल का बहुत दूर है, कहाँ से वहाँ जाएंगे, नहीं नहीं जाना है। तो बहन ने तंग कर दिया कि नहीं हम जाएंगे। और ये भाइयों ने उससे पहले मचान और सब कुछ देख आया था जहाँ हम लोग आज खड़े हैं। उसके बाद में वो भी एग्री हो गई, सत्युग है अपने आप उस समय सब कुछ होता था। तो उस राजा हुआ कहानी को वो लोग बहन को सजा के संवरा के उनको बोला गया कि आपका छोटा ही में शादी कर दिए थे और उस आप ससुराल चलिए। ऐसा कह करके उस समय
सज्जुक था, पता नहीं क्या क्या होता था। उसको उठा करके चलते हैं, चलते चलते यहाँ पर आप देखिएगा, ये यहाँ से थोड़ा दूर पहले है, इनका नाम है गुतरू टोंगरी, वहाँ भी एक खूटा है पत्थर का, 5-10 फीट का वो है खूटा है। वहीं पर राजाओं ने जितना भी लाव लश्कर था, हाथी घोड़ा था, वहीं पर बांधा, इसलिए आज गांव का नाम भी खूटे है। वहाँ से चलते चलते बहन कहने लगी, गाना से कहती है, एक गाना गा के कहती है, ऐसा गाना गाती है, उस समय सेंगे सुसुम काजी की दुरंग, यानी कि चलना ही हम लोग का दिलित है और बोलना ही हम लोग का गाना था। तो हम इस कहानी को, गाना को हम ये नहीं कह रहे हैं, आप लोग अपने दिल में रखिए, सब जानते हैं इस गाने को। वही सात टोंगरी पार करते करके हम थोड़ा सा पूजा में लेट हो रहा है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ से चलते चलते जब इस टोंगरी में आते हैं, हम यहाँ पर पट कर रहे हैं और यहाँ पर टोंगरी में आते हैं, टोंगरी में आकर के फिर वो बहन कहती है, और कितना दूर है, और कितना दूर है, कहते कहती है। तो वैसी स्थिति में बोलते हैं कि ये टोंगरी में ला करके जब कहती है कि आप देखिए वो सब आपका जो ससुराल बोले थे ना, उस गांव में का जो जितने भी पशु पंछी दिख रहे हैं सफेद, वही आपका ससुराल गाँव, ऐसा कहते हैं। तो वो तो जंगल झाड़ था, दिखता नहीं था, लेकिन ये लोग तो राजा हुआ बात को बोल रहे हैं। ऐसा ही स्थिति में इस मचान को तो पहले बना चुके थे वो लोग, उनको पता नहीं कि मचान बना है। उन बोलते हैं भाई लोग, मचान में आप ऊपर उठिए और यहाँ से देखिए, और जो सफेद दिख रहा है ना, वही आपका ये ससुराल का गांव है। ऐसा कह के इस मचान में जो आप लोग देख रहे हैं अभी भी गेंद का चार फूटा है, इसी में चढ़ करके उसको देखने के लिए बोला जाता है। उसमें देखती है तो क्या दिखेगा, जंगल झाड़ में कुछ तो दिखना नहीं है। उस स्थिति में उनको मनसूबा था इसको तीर से मारना है। ऐसी स्थिति में टोंगरी से आपका सामने दिख रहा होगा तीर का निशान, वो भी वहां से तीर चलाते हैं। जब बड़े भाई चलाते हैं और तो लगता है सच्चाई होता है, सज्जुग होता है, तीर नहीं लगा उसका छोटा भाई, फिर भी नहीं उसे छोटा भाई, फिर भी नहीं उसे छोटा भाई, फिर भी नहीं उसे छोटा भाई, कोई भी तीर खत्म हो जाता है। अब सोचते हैं कि अब क्या करें, अब तो कुछ हुआ नहीं, अब तो हम लोग बदनाम का ये एहसास भी होने लगा भाइयों को, और ये बहन को भी एहसास हो गया, आखिर ये तीर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। आखिर बहन को भी एहसास हो जाता है कि भाई लोग तीर चला रहा है, और भाई लोग को भी एहसास होता है कि अब हमारा तीर नहीं लगा, अब क्या करें। वैसे राज दरबार में फिर हम लोग एक साथ रहेंगे, ऐसी स्थिति में एक तीर बचा है, और बेचारा एक छोटा भाई था, वो आँख से अफेज था, दिखता नहीं था, फिर भी ये लोग सोचा कि अब तो कुछ हुआ नहीं, एक तीर हम छोटे भाई को ही दे देते हैं, लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। लेकिन उस समय सज्जुग था, जिसको तीर दिखाई देता वो तीर कहाँ से चलाएगा, लेकिन फिर भी सज्जुग था, देखिए छोटा भाई का तीर चलाता है। ये बहन भी कहते हैं उस समय गाना है, सभी तीर आता था, उस समय गाना होता था, ऐसा होता था गाना कि बोल इधर से आवाज आता था, बिंदु बिंदु दादा छाती ताई ताई दादा छाती ताई ताई, ऐसा कहती है। और जब एहसास हो जाता है कि अब भाइयों के लिए हम भी अपना जान दे ही देंगे, भाई का मनोकामना करेंगे, वैसे स्थिति में छोटा भाई के तीर में जब लग जाता है, उसके बाद में यहाँ का जो मनोकामना लगा पूरा होता है, यही स्थान है। जब आते हैं यहाँ पर उस टोंगरी से, और छोटा भाई को तो छोटा ही होता है, बड़ा भाई तो बड़ा ही है, इस तरह से उनको ले जाते हैं कि आप थोड़ा लकड़ी ले आइए। जब ये लकड़ी लाने जाता है तो आखिर लाए कैसे, एक आंख से आधा अपाही और लाए कैसे। उस समय लकड़ी को भी देखिए, सब जीव जंतु साथ देते हैं, जब संकट हो जाइएगा आज का जीवन में तो आपको भी साथ मिलेगा, आज भी मिलेगा और भविष्य में भी मिलता रहेगा। उनको देखिए सांप कहते हैं कि काल कांगे से लड़े मनवा,
नहीं तो उस अस्तित्व में वो लोग सांप लोग को ये बीता हुआ कहानी ही बता देता है। सांप लोग बोलते हैं चलिए हम लकड़ी में लपेट कर आपका जहाँ ले जाना है वहाँ हम चल जाएंगे, तो कहता है नहीं वहाँ जाएंगे तो आप लोग को भाई लोग मार देगा। तो वो सत्युग था, कहते हैं कि हम जाएंगे तो हम लुप्त हो जाएंगे, ऐसा कह करके वो वहाँ लपेट करके वो लकड़ी बुला देता है। सांप ये लोग इधर उधर हो जाते हैं और आप लोग जहाँ पर अभी खड़े हैं वहाँ आपका एक तिल्हा है, उस तिल्हा में वो जो उस समय जो सांप लोग साथ दिए थे ये तिल्हा में वो चीज भी है। लोगों ने यहाँ के लोगों ने देखा है और आज भी है और मान के चलना पड़ेगा है, और साक्षात्कार दिखा है आपका सामने जो तिल है वो उसमें देवता जी निकलते हैं आज भी, और उसके बाद में वो बोलते हैं नहीं आप पानी ले आओ। तो घड़े में देखिए उस समय खड़ा था या नहीं था ऐसा लगता है, लेकिन आज की स्थिति जो बना है हम लोगों का जीवन कहीं उस समय अच्छा था, सोना चांदी का युग था। और आप लोग के सामने एक जहां हम लोग देवी का पूजा किए उसके बगल में आप देख रहे होंगे एक छोटा सा मिट्टी का दिख रहा है, वो ईटा है, ये पोटारी पहाड़ का ईट है, इतना चौड़ा ईट था, उसको वहां से खोद करके उसका रख दिए। तो उस स्थिति में घड़े को साफ छटा करके भेज देते हैं पानी में, सामने आप लोग अभी पानी लाए वहां जाती है जाता है छोटा भाई, तो वहाँ भी रोता है कि अब क्या करें। उस समय भी देखिए मछली केकड़ा जितना भी है ये सब पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, वो भी कहानी बताता है बीता हुआ। तब वो लोग भी कहता है कि हम कोई बात नहीं, हम लोग सातों क्षेत्र में हम लोग चिपक जाएंगे मेढक लोग ऐसा करके, और मछली को भी साथ दिए। तो मछली को ये रचा हुआ सतयुग था, तब मछली केकड़ा भी साथ में ले ही आता है, और ये मेढक सभी साथ घड़े में बंद करके आते हैं, पानी भी आ जाता है और वो लोग लुप्त हो जाते हैं। इस तरह से मछली को केकड़े को पका के या किसी भी तरह के वो अपने साथ रखता है। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो यहाँ पर जब परोसा जाता है तो ये तो खाते हैं, लेकिन छोटा भाई वो नहीं खाता है। जब वो लोग मीट खाते हैं तो मछली खाता है, जब वो लोग हड्डी चबाते हैं तो वो केकड़ा को सुना देता है, वो सतयुग था। और आज उसी का सतयुग का हम लोग जो भी कर रहे हैं उसी के आधार पर कर रहे हैं, ऐसा था। और जब सब कुछ हो जाता है तो छोटा भाई ना खा करके आपका सामने एक तिल्हा है उसमें डाल देता है, डालने के बाद यहाँ से अपने अपने राज दरबार में सब जाते हैं सभी भाइयों। जाने के बाद में कुछ दिन बीतता है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा ही होता है। आत्मा को आज देखिएगा, आज ये मर्की में भी आज भी वो नियम लागू है जो वो ये घटना में ही सब करता है, और सब धार्मिक चीज यहीं पर घुसा हुआ है बिंदु मसाहिर में ही। आज देखिए मर्की में जब सब धर्मों को तो नहीं कहेंगे लेकिन मुंडा लोग आज भी छाहिर भी करने का परंपरा है, आत्मा को बाहर जाने नहीं देते हैं। तो और यही नियम आज भी हम लोग मानते ही हैं, चार मरने बाद चार बिता देते हैं। उस तरह बेचारी कोई तो उस समय नेग किया नहीं, बेचारी यही पर थी, यही मांस में उसका आत्मा था। लेकिन कुछ दिन के बाद में एक योगी के भेष में उनका पूर्वज जो पहला माँ बाप थे वो तो अपना आत्मा भी तो अपना बेटा बेटी को ढूंढता है ना, उस स्थिति में यहाँ पर आते हैं कि मेरा बेटा बेटी जो भी है वो गया कहाँ। एक आने के बाद में वो कुछ भी यहाँ पर होता है तो बांस तो बचता ही है, वो तो दैविक ही है कि आज भी बचता है, जिनको दर्शन होता है उनको दर्शन होता है। तो बांस बजने लगा तो वो सोचने लगा, वो आत्मा रूपी जो आदमी था वो सोचने लगा कि बांस इतना सुंदर बजता है तो इसका अगर केंद्र बना लेंगे तो कितना अच्छा होगा। ऐसा सोच करके वो आदमी बांस को ले जाने की कोशिश करता है, फिर भी वो बचता है कि ना काट काट रहे जो भी तो भजक रोपल पास ऐसा उसको भी बचते बचते उसको एहसास होता है, लेकिन वो मैं सतयुगी था वो ले ही जाता है और अपना बनाता है। और केंद्र और उनका नियम जो होता है घर घर जाकर वो मनत के लिए कहिए या जीवन के लिए, तो सातों भाइयों के पास घूमते जाते हैं, वो बचता है केंद्रा, फिर
जब जाते दरवाजे तब केंद्रा ही बोलता है, ऐसा धुन निकलता है कि ना बाज बाज रहे केंद्रा ही तो दुश्मन का घर है, तो ऐसा कह के छियो भाई के पास ऐसा बचता है। और जब छोटा भाई के पास जाता है तो बचता है केंद्रा कि बाज बाज रहे केंद्रा ही तो है तो भैया करो कल पास। इस तरह से हम थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं और इस तरह से होता है। उसके बाद में वहाँ पर वो जोगी का भेष था, उस घर में थोड़ा एक दिन के लिए रुक जाता है। उसी स्थिति में वो छोटा भाई भी एक आंख से अपाहिज है, लेकिन जो इस तरह से एक अंग का शरीर में जो एक अंग भगवान ने अगर ना दे पाया तो आज वो आदमी को इतना विद्वान रखता है, इतना विद्वान कि आम आदमी से कहीं ना कहीं उसका दिमाग विद्वान का रूप रहता है। तो वो ऐसा होने पर वो कैमरा वो भी बनाया था, तो वो कैमरे को बदली कर लेता है। बदली करने के बाद में वो योगी के फेस होता है, वो तो होना ही था, वो बदली कर लेता है और वो योगी उनका बदली हुआ कर ले जाता है। उसके बाद में कुछ दिन होता है तो भाई के घर में सब कुछ होता है, क्योंकि जो यहाँ का जो आत्मा था वो उनका छोटा भाई के पास चला गया। और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ जो भी काम होता है वो जैसे खाना बनाना, झाड़ू किया हुआ, तरह तरह का जो भी काम है वो अपने आप दिखता है। तो सोचता था छोटा भाई की बड़े भाई का जो ये लोग थे वही लोग कर देते होंगे, लेकिन वो लोग पूछने पर उसे पता चला कि नहीं 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 हम तो ऐसा नहीं किए। तब उसने छोटा भाई की आके देखते हैं कि आज कौन ऐसा है कि ऐसा करता है। उस स्थिति में एक छुप के देख रहा था तो कैमरा से आत्मा निकलता है उसी के बहन के रूप में और पूरा काम करता है। उसी समय भाई ने हाय बहन कह के मिलते हैं, गले मिल जाते हैं। मिलने के बाद में आपस में ऐसा उनका आत्मा का देखिए सज्जू, और आज दोनों मिल करके आज सृष्टि का देन है, सृष्टि का जो हम लोग आज है वही का देन है, जो उन्हीं का आधार पर वंशज हम लोग का चल रहा है। देखिए बुरा कर्म कीजिएगा तो बुरा ही मिलेगा, सच कीजिएगा तो सच्चाई ही मिलेगा। ये धरती आज भी सतयुग है और कल भी रहे, और आज हम लोग वही भाई बहन का वंशज। दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी दुनिया कहे, लेकिन आज उन्हीं का सृष्टि और उन्हीं का वंशज आज भी हम लोग है। और जो बुरा काम किया भैया, आप लोग यहाँ पर आए हैं मन्नत मांगने, कृपया कर बुरा काम नहीं, अगर बुरा काम होता है तो कह दीजिएगा भगवान ने जो करवाया भगवान ने करवाया, हमने तो नहीं किया। लेकिन देखिए सातों भाई में एक भाई का वंश चलता है, सातों भाई बुरा कर्म से उजड़ जाते हैं, कृपया कर आप लोग इस स्थान पर आए हैं। सतयुग को याद कीजिए, अपने पूर्वज को याद कीजिए, बूढ़ा बूढ़ी का पूजा आप लोग करते हैं, देवकुट का पूजा करते हैं, इसी आधार पर सतयुग करके पूजा पाठ कीजिएगा और अपना जीवन जो भी जीना है 60-70 साल एकदम सच्चाई के साथ जी करके दुनिया से जाइएगा। लेकिन आप लोग जाइएगा नहीं, शरीर जाएगा आत्मा फिर इसी तरह से आ जाएगा आपके घर में। ये नियम है, आपको देखिए जन्म होता है तो देखते हैं कि चावल डुबा के कौन आजा आया, कि दादा आया, कि दादी आया, आज भी वो करते हैं। तो नियम तो सब इसी में लगा है, यही पिल्लू बसाई में जितना है तो सब कर। आज भी आप लोग मांग में सिंदूर, माथे में सिंदूर लगाते हैं, आज भी वो क्या है, वो तो खून का असर है। आज भी आप लोग सने फेरते हैं, सने का फेरते हैं तो क्या वो क्या होता है, आपका ही खून होता है, उनका ही खून होता है, परंपरा उसी में चल रहा है। लेकिन आपका कहानी अब हम कहा बोले, समय ये करते हुए मैं इतना ही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। और हम लोग अभी पहाड़ में जैसा वंशज यहाँ से वहाँ बैठे थे वहाँ भी दर्शन दे रहे हैं, उनका पूजा करेंगे। जोहार, जय उतरेगा, जय सुनगा, सातों भाई। ऐसा हो गया पूजा, देख सकते हैं पूजा चालू हो गया है यहाँ पर। उनकी पूर्ति के लिए पूजा अर्चना करें, आगरा बिंदु टुंगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर का सारा कार्यक्रम हो गया है, अभी हम लोग सब जितने भी उपास किए हुए हैं सब लाइन लगा के चलेंगे बिंदु टुंगरी की ओर। हाँ, जिनके जिनके पास फूल अच्छा था वो अपना चढ़ा लें। देख सकते हो पूरी तरह से आ रही है, पूरा बहुत पीछे तक लाइन है, बहुत लंबा लाइन है।
देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से पानी ले जाते थे पहले, वही सतयुग का कहानी है बिंदु बसाइर का, यहीं से पानी ले जाते थे पहले यहाँ से लेके बहुत अभी तक बहुत जोर से पानी निकलता है, गर्मियों भी नहीं सूखता है बहुत जोर। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट शेयर कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो आगे देखने के लिए कंटिन्यू बने रहें, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, LS खान को चैनल को, आप लोगों को धन्यवाद करते हैं।